रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हफ्ते 20 कंट्रोवर्शियल कैदीज एंड मोर देन 500 मिलियन व्यूज और सिर्फ एक रियलिटी शो लॉकअप सीजन 1। और जब इतने ज्यादा लोग किसी चीज का 70 दिनों तक हिस्सा बन जाते हैं तो वो सिर्फ एक शो नहीं रह जाता, रेवोल्यूशन बन जाता है। लॉकअप की इतनी सक्सेस कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ लोगों की आप तो समझ ही गए होंगे, कई लोगों के रंग उड़ गए। लॉकअप के अंदर क्या क्या हुआ वो आप सबने देखा, लॉकअप के बाहर क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ कैदीज अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे थे और बाहर लोगों की डर के मारे पैंट गीली हो रही थी कि कहीं इनके सीक्रेट्स के चक्कर में उनके नाम की खीर पूरी ना बट जाए। मुझे बाहर कोई ज्ञान दे रहा था, लोगों को मुझे ज्ञान देने की बहुत आदत है, कह रहे थे कंगना ये क्या शो कर रही हो, चार लोग क्या सोचेंगे। आज मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, जिनके बारे में 500 मिलियन बात करते हैं वो चार लोगों की परवाह नहीं करते। वो कहते हैं ना हर चीज की एक लिमिट होती है, वेल हमारे शो में नहीं होती, यहाँ कंटेंट और रिकॉर्ड्स बोथ लिमिट के बाहर बनते हैं। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमारे शो के लिए मैंने एक नई कहावत बनाई है, जिसने की सब्र उसकी खुद ही कब्र। लॉकअप इंडिया का सबसे पहला रियल ऑथेंटिक जेन्युइन रियलिटी शो है। मेरी इस बैडएस जेल में 10 हफ्तों तक इन कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज ने रियल कैदियों की तरह जेल में चक्की पीसी, शारीरिक श्रम किए, हर रोज प्रतिज्ञा ली, अत्याचारी खेल खेले और एक दूसरे के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए, बेनकाब जोन में जाके अपने सीक्रेट शेयर करके सबके सामने अपना नकाब खोला और जिसने ज्यादा बदतमीजी की उसको मैंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजकर सजा भी दी। लॉकअप में ऐसी कई चीजें हुई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और ऐसी ऐसी जगहों के रोंगटे खड़े हुए जहां रोंगटे होते भी नहीं हैं। शो शुरू होने से पहले एक बात कही थी मैंने, एक दूसरे को हाउ आर यू बोलने वाले हु द हेल आर यू कहेंगे और वही हुआ, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त। लेकिन आज ऑन दिस बैडएस फिनाले ना दोस्ती काम आएगी और ना ही दुश्मनी। आज इन 6 कैदियों में से कोई एक लिखेगा इतिहास, किसी एक कैदी को आज मिलेगी बैडएस बेल और वो बनेगा इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो लॉकअप सीजन 1 का विनर। और आज इन्हें वो हर इंसान विनर बनाएगा जो इनकी जर्नी का एक अहम हिस्सा रहा है। लॉकअप सीजन 1 के विनर का डिसीजन होगा जजमेंटल जनता, कैदीज और मेरे हाथों में। कई कैदीज आए, कई कैदीज लॉकआउट हो गए और कुछ बदतमीज कैदियों को लात मारकर बाहर भी फेंका गया, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस गेम में जो टॉप 6 आए वो हैं शिवम बूमबाम शर्मा, पायल फियरलेस रोहतगी, अजमा धमाका फला, मुनावर मास्टरमाइंड फारूकी, अंजलि नो मोर कच्चा बादाम अरोड़ा एंड प्रिंस द ट्रबल मेकर निरुला। गॉड्स
Wonderful! Spectacular! Amazing! क्या बात है, इतना कोऑर्डिनेशन जो आप लोगों ने डांस में रखा, अगर अंदर रखा होता तो शायद ये खेल इतना अत्याचारी नहीं होता। सही बात। आसमा, आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप किसको चार्जशीट पे डालेंगी? पायल को डालना चाहूंगी, क्योंकि मैं डांस और योगा में कंफ्यूज हो गई थी, हाथ कुछ ज्यादा फैल रहे थे, इसलिए पायल। तो आसमा, आपकी मम्मा भी आज यहाँ है। यस। नाजिया जी, आपकी बच्ची फिनाले में आ गई है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और किसी को लगा नहीं था कि एक फाइनलिस्ट भी बनेंगी, तो आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आसमा ने तो बहुत अच्छा किया। सब लोग बोलते थे कि वो वाइल्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड है, पर उसने इतना अच्छा किया, जो मीन्स जो शुरू से थे जो उन्होंने नहीं किया, वो इतना कुछ अब तक इस शो को दे पाई। अब तक यहाँ टॉप सिक्स में जो आए हैं वो तो ऑलरेडी ये शो जीत गए, वरना इतना यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी मुश्किल बहुत है। बड़ी बात है। मैं तो बस ये चाहूँगी, ये जो भी इस टॉप सिक्स में से जो भी जीते, बस हम खुश है। बस थैंक यू। स्पोक लाइक अ रियली नाइस, गुड, हार्ट वार्मिंग पेरेंट। साइशा, पूनम, माय डियर सिस्टर्स, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। सफाई करते करते आप दोनों की ही सफाई हो गई। मैम, मैं जब ये टास्क करके घर गई थी ना, एवरीथिंग वॉज पेनिंग। दो दिन तक बहुत पेन हुआ, लेकिन वो पेन इतना खूबसूरत है मेरे लिए। जिस तरीके से वो टास्क हुआ, ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यू शुड बी, डेफिनेटली। पूनम, आई वुड से आज मुझे ये सब माहौल देख के प्रीमियर एपिसोड की याद आ रही है। तो जिस दिन सब हमारे कैदी इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हंच था कि आप जो है वो हमारे लॉकअप सीजन 1 की विनर बन सकती हैं, लेकिन देखिए, इट इज़ सरप्राइजिंग लाइनअप इवन फॉर मी। साइशा, आप क्या कहेंगी? इट्स नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज आई हैव सीन माई जर्नी, और मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू मी, इनकी जर्नीज इतनी स्ट्रॉन्ग रही है, और आई नो दे आर मोर डिजर्विंग देन मी, बिकॉज मेरे से ज्यादा योगदान इन्होंने दिया है। आप सब कैदियों ने 10 हफ्ते तक एक दूसरे को भर भर के गालियां दी, गालियां खाई भी, बाय हुक बाय क्रूक अब आप यहां तक पहुंच गए हो, इस बैड एस फिनाले तक। तो आप लोगों ने जिस, इंक्लूडिंग यू ऑल, आप लोगों ने जिस चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत की, आप देखना चाहेंगे? Yes, absolutely, yes, ma'am, yes. Presenting Lockup Season 1 ki Badass Trophy. Guards. आपको ये लॉकअप की बैडएस ट्रॉफी? अद्भुत है मैम, अद्भुत, आलीशान है, बहुत अच्छी लगी, बहुत। तो क्या लगता है आपके और ट्रॉफी के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैम, बस मैं आपको सच बताऊं तो मैं कोई भी चीज पानी होती है ना, तो उसको मैं अपने मन में, मतलब 2.5 लाख बारी मैं मन में ट्रॉफी उठा चुका हूं, पर हकीकत में एक ही बार उठाऊंगा मैं। और वो कहते ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है, तो वही चीज़ मुझे लग रहा है मेरे सपने सारे आज मुकम्मल होने वाले हैं। बाकी महादेव की मर्जी होगी तो वही होगा, वही जो राम रची राखा। इस ट्रॉफी में और आप लोगों में पता है कितना डिस्टेंस है? कितना? बहुत दूर। अभी आप लोगों को इसको अर्न करने के लिए थोड़ी और मुशक्कत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे मैम, बताओ करना क्या, बस बोल दो, आदेश दो आप। मलिका हिंदुस्तान, आपका हुक्म सराखों पर।
ये है आपका गोल जिसके बारे में आप दिन रात सोचते आ रहे हैं, इस ट्रॉफी को अचीव करना चाह रहे हैं डे वन से। सो मुनव्वर, आज भी कुछ प्लानिंग करके आए हो? हाँ, और 5 लोगों को उड़ाने का। नहीं, प्लानिंग तो कुछ नहीं है, बट इस वक्त बहुत सारी नर्वसनेस, मतलब जितना कुछ फील कर सकता हूँ ना, वो सारी फीलिंग एक साथ है इस वक्त। अच्छा है, ऐसा भी मंजर अच्छा रहता है लाइफ में। यस yes. तो आपकी बहन तनवीर आई हुई हैं। यस यस तनवीर, मैं आपसे जो है मुनव्वर की जर्नी के बारे में नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि आपके हिसाब से कैसी रही पायल की जर्नी? वो भी अपने हिसाब से सही थे, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। जैसा मेरा भाई कहता है, सब यहाँ खेलने आए, और उनका गेम खेलने का तरीका उनके वे में था, मेरे भाई का गेम खेलने का तरीका उसके वे में था, इसलिए मैं उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी ऐसा। अच्छा, और संग्राम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा मुनव्वर के खेलने का तरीका? नमस्ते कंगना जी। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि इतना बड़ा शो हो गया, हिट हो गया है, और जितने ये 6 के 6 बैठे हैं ना, हम इनको जज कर ही नहीं सकते, इन सब ने बहुत बेहतरीन खेला है। रही मुनव्वर की बात, तो मुनव्वर की जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी। शुरुआत में लगता नहीं था कि मुनव्वर आगे जाएंगे, मगर फिर धीरे 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 जो अपने माइंड से खेलते गए, तो इनके हिसाब से इन्होंने बेस्ट खेला है। अब इनके हिसाब से अगर मैं इनको जज करूँ तो वो फेयर नहीं होगा। तो पायल ने अपने हिसाब से बेस्ट खेला, मुनव्वर ने अपने हिसाब से बेस्ट खेला, तो मेरे हिसाब से ठीक है, बेहतर है। हाँ, मगर जो शो का कॉन्सेप्ट था, जिस हिसाब से जो बड़ा शो कहने जो आप कह रहे हैं, तो उस हिसाब से मुनव्वर थोड़ा सा अपने मास्टरमाइंड की उसे चलते रहे, तो डिफरेंट था, बहुत अपने तरीके से खेलते आए, तो सबका अपना तरीका है। थैंक यू बाजी। थैंक यू विनीत। आप तो अंदर भी ऑडियंस बन के बैठ रहे थे, और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, विनीत जैसे ही बाहर गया, ये एक सेंसेशन बन गया, इंटरनेट सेंसेशन बन गया, और लॉर्ड विनीत करके हैशटैग चला कई दिन, क्योंकि लोग विनीत से इतना इंप्रेस हो गए कि वो वहाँ पे लिटरली विष्णु पोज में बैठ के ही सारा शो देख के आया है अंदर। तो आपको लॉर्ड विनीत जी, आप बताना चाहेंगे कि आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए ये ट्रॉफी और क्यों? मुझे पर्सनली लगता है कोई भी जीते, लेकिन फारूकी को नहीं जीतना चाहिए। अभी उसका रीज़न है, मैं जब से लॉकअप में आया, लॉकअप में रहा, लॉकअप के बाहर, एवरीवेयर इट इज़ लाइक फारूकी। सो एज एन इंडियन, हम इंडियंस को सरप्राइजेस की बहुत आदत है, तो अगर फारूकी जीत जाएगा तो सब कुछ बड़ा प्रेडिक्टेबल लगेगा। अदरवाइज ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी वेल डिजर्विंग, एंड इट कुड बी एनीबडीज गेम। सरप्राइज कर देगा सबको, तुमको दे देगा ट्रॉफी। फैंटास्टिक आइडिया, फारूकी ने अभी सही बात बताई, लॉर्ड विनीत। और एक चीज़ और, यू नो, आपकी बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सबने ये भी कहा था कि सब बाहर बैठ के शो देख रहे थे, मैं लॉकअप के अंदर बैठ के लॉकअप देख रहा था। करणवीर, आपके हिसाब से वो कौन सा कैदी है जो आपके हिस्से की कुर्सी पे टॉप 6 में बैठा हुआ है? मेरे हिस्से की ये 6 के 6 बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, भले मैं निकल गया 8वें हफ्ते में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एक फाइनलिस्ट हूँ, बिकॉज हर वीक में मेरा नाम कहीं ना कहीं आता था, केवी इधर, केवी उधर, केवी उधर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक आई एम वन ऑफ द फाइनलिस्ट। बट नो, ऑनेस्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, और मेरा एक ही दिल का टुकड़ा है जो मैं फुल सपोर्ट करता हूँ शिवम को। सो मैं ये नहीं कहूँगा इसने मेरी जगह ली है, मैं ये कहूँगा कि ब्रो, यू आर द मोस्ट रियल एंड द मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई हैव सीन, एंड दिस लव इज फॉर एवर, रियली। I wish you all the best, man. I wish everybody all the best. Really, it's बहुत बड़ी deal है badass jail में यहाँ तक आना। एक सवाल और आपसे था मुझे, हाँ पूछ सकता हूँ, इजाजत हो तो? हाँ पूछिए। जीतेगा कोई भी ऊपर वाले की मेहर, लेकिन जो नहीं जीते वो losers तो नहीं होंगे ना? ये एक थोड़ा आप please बता दीजिए, तो कि हम आराम से बैठ जाएं। देखिए केवी, एक इंसान जो विनर है, वो एक इंसान तो शो को कामयाब नहीं बना सकता, राइट? आप सब एक साथ आए हैं, आप सब ने ही डे वन से, जो आज यहाँ पे है भी नहीं, उन लोगों ने मुशक्कत की है, और अगर मैं सोचूं कि सिर्फ मेरे होने से ही ये शो बनेगा, या करण सोचे उसके होने से ही बनेगा, या वो विनर सोचे कि सिर्फ उसी ने बनाया है, उस विनर को भी जो सिचुएशंस, जो अपोजिशन मिली है, जिसके करके उसने अपना कैरेक्टर निकाला है,
तो ये सफलता जो इस शो की है वो हमारे हर एक कैदी की भी है, और वो जो विनर है वो हर एक कैदी के का ही एक हिस्सा है, उसका हिस्सा उस विनर में भी है। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच होगी कि एक बंदा जीता तो हाँ उसी का खेल अच्छा था, ऐसा नहीं होता है। हमको पता है एग्ज़ाम्स के क्या नेचर होते हैं, हम सारी साल मेहनत करते हैं लेकिन वो एक दिन क्या रहता है, यू नो वो क्वेश्चंस हमें कैसे शॉक करते हैं, या हमारा पेट ख़राब होता है, या रात को अच्छे से नहीं सोए होते हैं, वो एग्ज़ाम का दिन हमारी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं करता है। तो वैसा ही है, आप सब अपने राइट में विनर हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लॉकअप का हिस्सा है। तो ये बेस्ट हुआ, मेरे लिए बेस्ट हुआ कि यहाँ से कोई एक बाइज़त बरी होगा, मैं इल्ज़ाम से बाइज़त बरी हुआ हूँ। थैंक यू, बट ऑल द बेस्ट गाइज। सो फाइनलिस्ट लॉकअप में आपको जाने अनजाने में अच्छी बुरी सब तरह की आदतें लगी हैं, कुछ नई आदतें लगी हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, सिर्फ शो जीतने के लिए नहीं, लाइक लिटरली पापड़ बेले हैं आप लोगों ने। लिटरली मैम, सही बात जी। चटनी भी बनाई, खटियाएं भी बनाई, गोबर के उपले भी बनाए। शिवम, तुम तो बर्तन धोने के मामले में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुके हो। मैम, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी घर जाके मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ करने को नहीं होगा, अगर जिस टाइम मैं फ्री भी होऊंगा ना तो मुझे टीवी देखते देखते याद आएगा यार बर्तन गंदे पड़े हैं, मैं वही धो लेता हूँ। तो अब वो हाथों की लकीरें मेरी मिट गई हैं, थोड़ी बहुत तो आ ही जाएंगी वापस घर जाते जाते, तो लेट्स सी। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम किया, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ओलंपिक में गोल्ड मेडल या मेडल ना लाए, वो पापड़ी क्या? क्या? और जो सारा खान के हाथ से ना बने वो पापड़ी क्या? गुम्मा, नीले में हरा रंग मिलाओ अभी मुनव्वर भाई तो बन जाता है काला, और तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे गले में पिलाएंगे हम अपने फूलों की माला। ग्रेविटी मिल गई लेकिन सुई का खड्डा नहीं मिल रहा शिवम को। क्या बजरंग बली, दुश्मन की नली तोड़ दो, और मेरे बच्चों जिंदगी में कोई भी कील बने उसे हथौड़ा बन के छोड़ दो। बड़ा मुश्किल काम दे दिया है ये लोगों को। If you want to be in that team, please go ahead. It's my choice what I want to talk and what I don't want to talk. In your bloody dash. ये सही है? नहीं नहीं शिवम, अरे सॉरी, अरे नहीं कर यार, स्टॉप इट, अरे नहीं करना था यार, ओए हट जा, अरे तुम्हारा तोड़ू अभी। क्या तोड़ा फोड़ी, हाँ कहते ना खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह आने बनाया कुछ नहीं ढंग से, तोड़ा फोड़ी इतनी कर दी। शिवम ने तो बता दिया इनमें से कौन सी आदत है जो उसको अच्छी लगी और घर पे भी ट्राई करेगा, आप लोग बताएंगे। पायल, कुछ आपने नई चीज सीखी हो? सीखी मतलब आई एग्जीक्यूटेड कुकिंग टैलेंट, बिकॉज मैं खाना पकाना थोड़ा बहुत जानती थी, मगर इस जेल के अंदर मैंने रिलीजियसली किचन में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, एंड संग्राम जी को पहले मेरा खाना पसंद था तो आई होप अभी मेरा खाना ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज बहुत प्रैक्टिस लगी है जेल के अंदर, एंड होपफुली मेरे पापा मम्मी सबके लिए मैं खाना बना पाऊँगी एंड दे लाइक इट। आसमा, मुझे सबसे बुरी आदत जो जेल में लगी है, जो मैं जेल से निकलते निकलते भी बार बार बोल रही थी, कि जो आप लोगों ने फ्री का राशन हमको खिलाया पिलाया है, क्या ये मुझे घर पे भी मिल सकता है? फ्री के खाने की आदत हो चुकी है मेरे को यहाँ पे, दूध इतने सारे आओ छुपा लो तीन चार, अभी बाहर जाएंगे राशन की दुकान में चावल दाल सारे खरीदने पड़ेंगे, यहाँ पे मैंने 2 महीने फ्री का खा के गुजारे। नहीं, नहीं, आसमा, अब आप बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है, अब आपको ऐसे बहुत रियलिटी शो मिलेंगे जहाँ पे आपका अकाउंट अब खुला ही रहेगा, डोंट वरी। फ्री का खाती रहूंगी, बेस्ट। मैंने कहा ना ये भी करती थी, लेकिन लॉकअप में इस बार काफी लव एंगल्स भी दिखाई दिए, और मेरी जेल में मुनव्वर अंजलि साइशा का जो लव ट्राइंगल है वो काफी हिट रहा, रोए हंसे झगड़े, लेकिन सिर्फ डांस करना रह गया है, वो भी कर ही लेते हैं, लेट्स सी। Thank you.
साइशा और अंजलि, आप लोग मुनव्वर के इशारों के अलावा भी किसी के इशारों पे नाचे, चाहे कोरियोग्राफर ही था। अब मुनव्वर डांस तो हो गया, अब लोगों को हंसा देते हैं थोड़ा सा। कम हियर। वेल, लॉकअप इतना पॉपुलर हो गया है कि ऑडियंस मीम पे मीम बनाई जा रही है। हमने सोचा हम भी बना लेते हैं। Nice. और तुम्हारी हर चीज में टिप्पणी होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम तुम्हारी टिप्पणी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स सी, आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, एक मीम दिखाएंगे और उस पर टिप्पणी कीजिएगा। बिल्कुल। जब तुम चाहते हो तुम्हारी जुए कोई गिन दे, शायद ये लग सकता है इस पे कैप्शन। मैं बताऊं इसका क्या हो सकता है? बताओ। जैसे खेल होता है ना, चिड़िया उड, कबूतर उड, तो वैसे ये लोग कर रहे थे, साइशा उड, केबी उड, पूनम उड। हाँ, वैसा वाला खेल चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट। अरे ये फोटो देख के मेरे को आपकी मूवी याद आ रही है, वरना मेरा जिंदगी इतना खराब हो गया। तो हाँ, मेरा जिंदगी इतना खराब हो गया, ये मीम बन सकता है। ओके, नाइस। नेक्स्ट। व्हेन यू सी मुनव्वर विद ट्रॉफी, पीछे केवी का वही है यार, मेरे को पता ही था। व्हेन यू डेट राजू फ्रॉम कयानी रेस्टोरेंट, नाइस। मैंने भी कुछ मीम्स बनाए हैं, चलिए दिखाती हूँ। इसका मीम है, व्हेन आई से लॉकअप सीजन वन इज ऑल अबाउट गर्ल्स। नेक्स्ट। सास के दूध में जहर मिलाने के बाद छोटी बहू। नेक्स्ट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट। When I say you need to show me you are a badass. Next. After seeing you, Poonam, what do we do? पहले मैंने किया था मैम, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। After seeing Poonam Pandey's vote appeal. चलो, मीम तो बहुत अच्छे थे, पिछले हफ्ते तुमने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की और पायल ने तुम्हें बोलने नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं। सो नाउ स्टेज इज ऑल योर्स, और आज यहाँ तुम्हें पूरा मौका दिया जाता है। बिल्कुल। सो गो ऑन। यस। तो लॉकअप फाइनली खत्म हो रहा है, लेकिन जब तक नॉट फाइनलिस्ट कैदियों को रोस्ट ना किया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता ये शो खत्म हो सकता है। और लॉकअप की एक चीज़ आपने देखी, ये डेली सोप से काफ़ी सिमिलर था, लगा आपको? क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंने इस शो को कहानी घर घर की तरह खेला वो सब यहाँ है, और जिन्होंने कसौटी जिंदगी की तरह खेला वो यहाँ है। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि देखो, डेली सोप्स में हम माँ बहन की इज्जत करना सिखाते और लॉकअप में हम दोनों को एक करते। और माँ बहन एक करने से याद आया, माय डियर सिस्टर पूनम के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूनम लॉकअप का पूरा सीजन दो चीजों का वजन उठा के चलती रही, वो है गुस्सा और दूसरा है खूबसूरती। और जब खूबसूरती की बात चली है तो पायल की दोस्त आजमा, आजमा फला इतनी क्यूट है, ये कितनी खूबसूरत और इतनी क्यूट है, और ये पूरा सीरियल वाला मटेरियल है, इस पे सीरियल बनना चाहिए। तो कहा ना छोटी बहू, नहीं बहुत छोटी बहू, लेकिन उसमें उसको रोल मिलना चाहिए सास का।
इसको क्या आंटी आपने जो क्या खा के पैदा करा है, इसके अंदर इनबिल्ट 12 सांसें हैं ऑलरेडी। एक सीरियल में वैम की जरूरत होती है तो बिल्कुल वैम के लिए परफेक्ट आजमा की फ्रेंड पायल। पायल पायल बहुत मस्त है। पायल नींबू फ्रिज में नहीं रखती, अलमारी में रखती है। और एक चीज पायल के बारे में खास है, पायल हमेशा कहते रहती है कि मैं बाहर जाके अपना ट्विटर अकाउंट एक्टिव करूंगी। जैसे इलोन मस्क ने सुना, खरीद लिया, बोले तेरे को नहीं दे रहा एक्टिव। और पायल हमेशा बोलती है कि मुनव्वर फारूकी मेरा इतना बड़ा फैन है। नहीं सच में, मैं पायल का सच में आज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं पायल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने पायल के सारे वीडियोस देखे, उन सारे वीडियोस में, मतलब बहुत मस्त वीडियोस है, बट सारे वीडियोस में सिर्फ एक गलती कर देती है पायल, वो है अपलोड। अपलोड नहीं करना चाहिए। और जब हम बात कर ही रहे कि अपलोड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल्टर होना चाहिए वीडियो में। अंजलि के वीडियोस देखो, इतने फिल्टर लगाती हो। आज मेकअप आर्टिस्ट ने उसको बोला कैसा मेकअप चाहिए, तो सोशल मीडिया के फिल्टर के नाम दे रही है। लेकिन आज अंजलि के फैंस के लिए स्पेशल डे, नहीं ट्रॉफी नहीं, आज फाइनली उन लोग अंजलि को 30 सेकंड से ज्यादा परफॉर्म करते देख पाएंगे। और देख चुके 30 सेकंड से ज्यादा फाइनली विदाउट फिल्टर्स। और बात अगर चल ही रही है, आगे बढ़ ही रही है, तो हम बात करेंगे एक ऐसे डीजे की जिसकी सबने बजाई। हमारे डीजे अली के हैशटैग अभी भी हमारी बैड एस जेल की दीवारों पे है, हैशटैग तबाही, हैशटैग कड़क। हमें लगा गेम की बात कर रहा है, लेकिन अब इतनी बातें हो ही चुकी है, तो विनीत भाई लास्ट बट लीस्ट ऑल्सो, विनीत भाई ने अभी कहा सरप्राइजेस पसंद है, तो मैंने बोला आपको दे देते, सरप्राइज हो जाएगा। सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, दैट्स डिसअपॉइंटमेंट। एंड ऑल्सो विनीत भाई, जैसे हमारे एक एक्टिविटी थी उसमें पता चला विनीत भाई ट्विटर पे धमाल कर रहे, अपने ओपिनियंस डाल रहे, अपनी बातें डाल रहे एकदम ह्यूमर वे में, तो विनीत भाई का हमको एक स्क्रीन पे पोस्ट दिखाया गया था जिसमें विनीत भाई ने लिखा था कि अगर लॉकअप जू है तो उसमें एक स्लॉथ है जो खुद को टाइगर समझता है, वो है मुनव्वर फारूकी। तो मेरे पास एक काउंटर जोक है, तो विनीत भाई अगर लॉकअप जू है तो आप कोई जानवर नहीं हो, क्योंकि आपको देखने का कोई टिकट नहीं खरीदेगा। और अब बात इतनी बढ़ी गई है आगे, तो पहुंच जाते होस्ट तक, रेडी हो? तो हमारे शो की होस्ट पे जोक शो के बाद। सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, माय नेम इज मुनव्वर फारूकी। गुड ट्राई मुनव्वर, गुड ट्राई। आपको पहली बार बिना रोके टोके बात करने का मौका मिला। हेलो हेलो रिंग मास्टर, ड्रैगन फ्लाई, टाइम फॉर एक्शन। ओ ओके, ओवर एंड आउट। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। तो हमने देखा कि दुनिया में उसी का सिक्का चलता है जो धाकड़ है, और लॉकअप में भी वही चला है जो धाकड़ है। और आज मैं यहाँ उन्हें बुलाना चाहूंगी जिन्होंने धाकड़ कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है और ये मैसेज दिया, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड वन हैज टू बी धाकड़। प्लीज वेलकम द डायरेक्टर ऑफ मूवी धाकड़ रजनीश घाई, माय अमेजिंगली टैलेंटेड को स्टार शाश्वता चैटर्जी एंड माय ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड को एक्ट्रेस दिव्या दत्ता। Thank you so much for coming to our badass finale. Thanks for calling actually.
Yes, absolutely a pleasure. Being... Love you too. All the best. तो सर, अभी हमारी फिल्म 20 मई को रिलीज होने वाली है. हमारा फिनाले तो उस दिन होगा, बैड एस फिनाले. लेकिन इस फिनाले पे ये हमारे फाइनलिस्ट हैं. Hi guys. ठाकर फाइनलिस्ट. तो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों को मिली हूँ, कभी ना कभी आपने हम मुझसे लॉकअप की कोई ना कोई बात ज़रूर की है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ठाकर बैड एस फेवरेट्स कौन हैं? My favorite badass Kaidi is Payal. You know, I like your fighting spirit, so well done. You never give up, you know, you keep fighting, and that's the spirit. Thank you so much. And you know, he's a feminist, as you guys can see from the film Dhakar. He believes ke sach mein hi ek ladki 50 se 60 logon se ek time pe lad sakti hai. Divya ji, aapka kya kehna hai? Mujhe badass lagte hain Shivam. बिकॉज आप बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं टू योर ट्रू सेल्फ. जैसे थे वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला. आपकी मेरी कॉमन चीज़ है कि हम शायरी बहुत पसंद करते हैं. खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहाँ लिख दिया. खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहाँ लिख दिया. दिव्या जी, बारी आई मेरी तो मैंने आपका नाम लिख दिया. ओरिजिनल है? नहीं मैम, कॉपी पेस्ट है, बट अच्छी लगनी चाहिए ना मैम. सही वक्त पे सही चीज निकल जाए मुख से तो अच्छी बात है. थैंक यू मैम. ये देखने में सिर्फ लुक का लगता है, अदरवाइज ही इज अ जेंटलमैन. रियली? यस. तो मैंने जो मैंने लिखे वो भी बोल देता हूँ कि तुझसे ज्यादा प्यार तेरे नाम से है. इश्क का इजहार सरेआम से है. तू कबूल कर दावते इश्क, जरा करते प्यार तुझे ज्यादा अपनी जान से. ओहो, ये बेटर था. ये मेरी है. बट मैम, हम लोग मिले हुए शायद एक बारी. ये ऐसे ही करता है सर, जिस भी लड़की को मिलता है ये हमेशा ये बोलता है, आपको याद है हम पहले वहाँ मिले हुए थे. नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैम, सीरियसली बोल रहा हूँ. सारा विल अग्री विद मी. शाश्वता जी, आपको कौन लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है, अब तक तो हम लोग बोल रहे थे, एक मास्टर माइंड चुप बैठा था और देख रहा है सब कुछ. राइट. ये मुनावर. हाँ, ये सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट. बिग फैन सर. थैंक यू. तो ये मास्टरमाइंड है इन्होंने. yeah, yeah. एक फौज बना ली थी अंदर. yeah, yeah. उस फौज को तोड़ने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े. सो लॉकअप के ऑडियंस को काफी बैड एस चीजें देखने की आदत हो गई है आजकल, और आज ग्रैंड फिनाले है तो मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल करना चाहिए. बिल्कुल. इसलिए मैं कुछ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, एक स्पेशल ट्रेलर धाकड़ मूवी का. yes, wow. जो मैंने फ्रेशली आप लोगों के लिए काटा है. क्या बात है. आई होप यू एंजॉय प्लीज हैव अ लुक. दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, आज तक तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बैड एस देखे हैं, लेकिन आज फिनाले है, कल से तो इनको देख नहीं पाएंगे. तो आपको बैड एस देखने के लिए हॉल में आना पड़ेगा धाकड़ फिल्म देखने. प्लीज डू कम. एंड मैंने सब एपिसोड तो नहीं देखा, लेकिन कुछ कुछ देखा है. बहुत तोड़फोड़ हुई है इधर. अरे हम ये भी हाँ, कम नहीं है. ये जो एपिसोड्स है उससे तो एडिट करके एक फुल लेंथ एक्शन फिल्म बन सकता है ना. तो हमने भी एक एक्शन प्रोमो काटा है रजनीश सर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक्शन करते really? हैं. ये लोग भी कम एक्शन ही करते हैं. तो हमने भी एक प्रोमो काटा है आपको दिखाने के लिए. बिल्कुल. लेट्स सी. यहाँ पे भी बड़ी तोड़फोड़ हुई है. लेट्स सी. रूल बदलना टेलर की मर्जी है. Don't hashtag with us, because if you do, we'll hashtag with you. हाथ नहीं उठाना किसी पे. ओए गाली मत दियो. चाचा मत कर दे, तेरे मुंह पे गुस्सा मारूंगा मैं. तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो मेरा कप तोड़ के दिखा. हाथ नहीं लगाना. मेरे हाथ से निकाला है.
Just breathe and relax. Sorry. Let's breathe and relax. Come on. I'll do it. Come on. Come on. आई बड़ी दे अपने आप को गाली दे अपने आप को गाली हाँ मार 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 ना साले I need to talk to Kim. Someone has put a bottle of water in my entire blanket. मुझे तो लगता है इस लॉकअप से जल्दी से भागना चाहिए. That was really good. ये एक्शन टीम आपके साथ सेल्फी लेना है मुझे. ये जो एक्शन फिल्म थी बहुत ही डरावनी थी. वेरी स्कैरी. That was good. Thank you, Kangana. That was good. No, but आपने देखा कि हमारे जो कैदीज हैं, वो भी एक्शन करना जानते हैं. हाँ, इसीलिए मैं भागना चाहता हूँ जल्दी. और ये कोई फर्जी एक्शन नहीं है, ये असली एक्शन है. इसीलिए मैं भागना चाहता हूँ. तो सर, जैसे आपने देखा कि इन लोगों ने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ धाकड़ किया है, और ये इन लोगों ने पिछले 70 दिनों में ये धाकड़ काम किए. आप मुझे बताएंगे, आपने ड्यूरिंग योर शूट कोई धाकड़ चीज आपने की हो? मैंने हमने आपके साथ काम कर लिया. बहुत बड़ी बात है. That's my answer also. No, jokes apart, हमने काफी मेहनत की इस फिल्म में. Starting with me pushing her to the limit. She has outdone herself in this movie. You have to watch her. Yeah. She is absolutely on fire in Dhakar. You know, she put in about 3 to 4 months of training, which, you know, even I haven't done. But she's absolutely on fire. And Divya, you know, she is... What a performance. Absolutely fantastic. She is a powerhouse. And Dada, masterclass in acting. Absolutely. Thank you. Divya ji, aap mujhe bataiye, aapne kuch kya Dhakar cheez ki ho during this? Yeah, Dhakar cheese was to watch you do all that action. Because no, mera ye wala action tha nahi. But I think your look, and jaise aap apna ghagra upar karke, saari, apne saari upar karke, apni leg bahar nikal ke jaise baat karte hai, mohme cigarette leke, I think that is very Dhakar. Thank you. It is very stylish. Aur jis tarah se aapne wo ek mafia don jo hoti hain, unka jo kirdar aapne authentically play kiya hai, I think it is a master class for all of us actors. Thank you. And Shashwata ji, आपने क्या धाकड़ किया? रेजी, यू सरवाइव. सेम आंसर. सी, दिस इज आपके साथ काम किया. दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रो कोड. हां, आप, यू सरवाइव रेजी एंड हिज ऑल द पार्टीज दैट यू गाइस हैड. वी पार्टीड एंड आई स्टिल वांट टू पार्टी. वी पार्टीड. मैं एक बात कहना चाहती हूं. हमारी फिल्म धाकड़ का एक बहुत ही बैडएस गाना आया है अभी, शी इज ऑन फायर. और हमें, मुझे लगता है, इतने मिलियन व्यूज मिले हैं जितने कि आपके शो को मिलते हैं. सो आप भी बैड एस हैं, मैं भी बैड एस हूँ, ये भी बैड, ये बैड एस नहीं. हम दोनों बैड एस हैं और ये सभी बैड एस हैं. तो मुझे लगता है कि हमें वो जो हुक स्टेप है ना, right. वो एक बार करना चाहिए शी इज ऑन फायर का. व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से गाइस? ये तो आप लोग तो बहुत उम्दा डांसर हो सारे. सो शी इज ऑन ये फायर. व्हाट इज द, थैंक यू एवरीवन. आइए बैक. आई ट्राइड. यू रेजिंग.
ये बैड एस परफॉर्मेंस काफी एंजॉय किया हम लोगों ने. बिल्कुल सर, बहुत. इट वॉज वेरी बैड एस, वेरी बैड एस. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आर बैड एस फिनाले. और सर, 20 मई को हमारी फिल्म धाकड़ जरूर देखें. बहुत ही डिफरेंट फिल्म है, परफेक्ट समर फैमिली वॉच. फैमिली वॉच प्लीज आइए अपनी फैमिली को लेके. हर आदमी 25 लोग को लेके आएगा. सो 20th मई गाइस, इंडियाज न्यू एक्शन जॉनर इज गोना स्टार्ट विद कंगना रनौत. सो यू नो, सो प्लीज कम एंड एंजॉय द मूवी एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सो रेस शुरू करने से पहले मेरा एक झोल करने का मन कर रहा है. तो आपको क्या लगा कि अत्याचारी खेल खत्म हो गया? ये कोई ऐसा वैसा फिनाले नहीं है. इसका नाम है बैडएस फिनाले. गॉड्स, तो झोल सिर्फ लॉकअप में ही नहीं, लॉकअप के बाहर भी हुआ है. प्रिंस, प्लीज कम ऑन स्टेज. इस शो में आने से पहले प्रिंस को एक ऑफर दिया था और उसकी कीमत भी थी. आप प्रिंस को जानते हैं एज माय हुक्म का इक्का, लेकिन प्रिंस को एक टेम्पटेशन दी गई थी और देखना चाहते हैं कि प्रिंस ने उस टेम्पटेशन के लिए जेल में क्या किया. लेट्स सी. मेरे लॉकअप में मेरा हुक्म का इक्का आने वाला है, जो आज तक कभी भी कोई रियलिटी शो नहीं हारा. बातों का नहीं, मैं तो रियल का खिलाड़ी. चलते फिरते बंदरों का हामन लगा दूं. 100 में अकेला इन सबके में भारी. एक तरह से झाड़ू दुमाना शुरू कर, एक तरह से केवी करेंगे, खत्म हो जाएगा. जो काम नहीं करना चाहता, ना मेकअप होगा ना कपड़े होंगे, सब अंदर जाएगा. तुम्हें ड्यूटी करनी है, करवानी मेरे को करवानी है. मैंने कहा था मैं तोड़ूंगा. ये लो उधर नहीं जा. फाइट करा के ना कुछ ऐसे कि जो गंद बोले. Give me 10 reasons why you better than her. इस औरत ने आज तक एक गलती एक्सेप्ट नहीं की है. 10 बार क्या बैठ के फोन करके शो में वापस आए हो? तू आए कुछ होगा, तू निकालेगा बिछवाना उड़ा के ना बाहर की तरफ भेज देना. ये घर की बाउंड्रीज है जो रुकी हुई है, ठीक है ना? मेरी बात क्या उठाएगा? हां क्या इधर क्या क्या मार कर मार 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 मार. प्रिंस नरुला मेरा क्रश बन चुका है. सुनो ना प्रिंस, कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो. तुम ये शो जीतने वाली हो. इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव. तुम लोग प्रिंस को कन्विंस करते हो या डोमिनोज छीन कर अपनी लाइन बनाते हो? इनसे कौन छीनेगा, ये तुम्हारे हाथ में है. आपको चाहिए? हाँ. अब बोलो आई एम रियली सॉरी प्रिंस. आई एम रियली सॉरी प्रिंस, मैंने आपसे बदतमीजी करी. शर्ट उतार के डंड मार. उड़ उड़ू उड़ उड़ू शंभु पैसे करके फोड़ना है. जो मुझे बेस्ट मसाज देगा. बहुत अच्छे प्रिंस, तुमने प्रॉपर ट्रबल मेकर का रोल निभाया है. थैंक यू सो मच मैम. तो प्रिंस कभी कैदी था ही नहीं. OMG, प्रिंस की टेम्पटेशन ये थी कि वो लॉकअप में जाकर आप सब लोगों की गेम खोले और वहां पे आपत्तियां पैदा करे, जो कि उसने बहुत ही सफलतापूर्वक की. तो ये तो थी कीमत. अब मैं आपको ऑफर दिखाती हूँ और ये ऑफर है ये कॉन्ट्रैक्ट. प्रिंस ऑल्ट बालाजी के साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में दिखेंगे. ये
कांग्रेचुलेशंस ईशान। और उन्होंने ये ऑफर जीत लिया है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम एज एन एक्टर इन अ वेरी बिग सीरीज माउंटेड ऑन अ वेरी बिग स्केल बाय ऑल बालाजी। क्या बात है, क्या बात है, आलीशान प्रिंस भाई, प्रिंस भाई करूला की जय। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो प्रिंस, अभी भी आपके पास मौका है, आप डील चाहिए कि ट्रॉफी आप चूज कर सकते हैं? अरे जाओ यार, प्लीज जाओ, अभी मेरे को यही चाहिए। किसी और की मेहनत मैं ऐसे लेके नहीं जाऊंगा। अगर मैं पहले दिन से आया होता तो मैं यहाँ पे किसी को दिखने नहीं देता और मैं ले जाता घर पे। बट थैंक यू सो मच मैम मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और थैंक्स मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए कि मैं इनके लिए ट्रबल मेकर बन सकता हूँ। जब मुझे बताया गया कि 3 हफ्ते रह गए कि आपको जाना है, ये गेम लोगों की समझ नहीं आ रही है, तो मैं भी टेंशन में था क्योंकि 3 हफ्ते बहुत कम होते हैं एक शो में जाकर कुछ नया करने के लिए, अपना ट्रस्ट बनाने के लिए। बट आई थिंक थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने बहुत प्यार दिया पर मैंने उसी का फायदा उठाकर तुम्हें ट्रबल किया है। बट आई लव यू दिल से सबको, एंड थैंक यू, वी लव यू टू, थैंक यू सो मच, एंड कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। बट इस शो में एक चीज़ बहुत अलग थी जो बाकी शोज में नहीं है, जो मैं जितने भी शोज करके आया हूँ, कि यहाँ पर लोग बहुत बात कर चुके हैं, हम बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, बहुत झगड़े हुए हैं, पर खाना एक साथ खाते थे, तो ये बाकी शोज़ में हमने नहीं देखा। मैंने जितने भी शोज़ किए मैंने नहीं देखा, हम लड़ते थे, खाना अलग बनता था, पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, लॉकअप होकर भी सब एक्चुअली में लॉकअप थे ना। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल बालाजी, थैंक यू सो मच फॉर कांग्रेचुलेशंस। मैं अपने फेवरेट बता सकता हूँ दो, अब अगर मुझसे पूछा? यस प्लीज बताइए आपके फेवरेट्स। मेरे फेवरेट यहाँ पर दो बैठे हैं जो शो के हैं, और उसके अलावा कोई इंसान में फेवरेट है तो शिवम। थैंक यू सो मच मिस जान। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक्स कैदीज के साथ बैठ सकते हैं। यस मैम, थैंक यू। तो लॉकअप के इस बैडएस फिनाले में इट्स टाइम टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिजल्ट्स। जिस चीज के लिए इन लोगों ने 70 दिन जेल में बिताए, अपना गेम पूरी मेहनत से सबको दिखाया, ये सब इन्होंने इस लॉकअप का विनर बनने के लिए किया। एंड लॉकअप के season 1 के बैडएस फिनाले में इट्स टाइम टू नो कि वो कौन कैदी है जो सबसे पहले top 3 में जाएगा। आप में से कुछ लोगों को आज तक तो कभी जनता ने बचाया है, तो कभी को कैदीज ने, या कभी मैंने। आज भी पहले राउंड में जजमेंटल जनता की वोटिंग आप में से किसी एक को top 3 में लेके जाएगी। तो जनता भी आप लोगों की तरह हर हफ्ते रंग बदलती है, कभी किसी का पासा पलटता है तो किसी का पासा भारी होता है तो कहीं हल्का होता है। उसी तरह से जनता के कई बदलते हुए रंगों में बहुत ज़्यादा वोट्स अंजलि, मुनव्वर, शिवम, पायल, आजमा सभी को ही मिले हैं। लेकिन हमने देखा हुआ है इतिहास में, राजनीति में, कि एक वोट से भी सरकारें गिर जाती है। तो चाहे प्यार कितना ही मिला हो, लेकिन फिर भी कोई एक है जिसे जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। वो कैदी जिसका जजमेंटल जनता ने साथ दिया है, वो बनेगा top 3 में से एक। और वो कैदी है मुनव्वर फारूकी। कांग्रेचुलेशंस मुनव्वर। थैंक यू सो मच। जनता ने आपको लॉकअप season 1 के top 3 फाइनलिस्ट में पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच। लॉकअप की ऑडियंस हो या पूरा जो ऑडियंस है, जिन्होंने भी वोट किया, जिन्होंने नहीं भी किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेचुलेशंस।
अब बाकी चार अभी भी टॉप थ्री का हिस्सा नहीं है। आप में से कोई दो टॉप थ्री में जाएगा और आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वो दो कौन है। सो ट्रॉफी की तरफ पहला कदम बढ़ाया है मुनव्वर फारूकी ने। बाकी फाइनलिस्ट्स की धड़कनें अभी भी तेज चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुनव्वर को 18 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन इस शो में पब्लिक वोटिंग सिर्फ यहां तक ही मैटर करती है। जैसा कि आपने जजमेंट डे एपिसोड्स में देखा है कि सिर्फ एक हद तक जनता की वोटिंग रहती है, उसके बाद में डिसीजन मेरा होता है। सो ट्रॉफी की तरफ पहला कदम बनाया है मुनव्वर फारूकी ने और बाकी फाइनलिस्ट की धड़कनें अभी भी तेज हैं। धाकड़ तो रिलीज होगी 20 मई को, लेकिन उससे पहले इस लॉकअप की कुछ धाकड़ लड़कियां जो हमेशा ही भारी रही हैं सब लड़कों पे, देखिए इनको। आपने धाकड़ गर्ल्स तो देख ली, लेकिन अब समय आ रहा है कि हम धीरे धीरे लॉकअप सीजन 1 के रिजल्ट्स की तरफ पहुंचे। इट्स टाइम टू मूव क्लोजर टू द रिजल्ट्स। अभी तक सिर्फ मुनव्वर पहुंचा है टॉप 3 में। इसका मतलब टॉप 5 में से बचे हुए 4 कैदीज में से सिर्फ 2 टॉप 3 में जाएंगे। ये राउंड किसी एक कैदी की डेस्टिनी डिसाइड करेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि पुराने पाप मुड़कर वापस आते हैं, और कई बार पुराने पापी ही वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जेल में जो भी गुल खिलाए हैं, किसके साथ में क्या कर्मकांड किए हैं, वो शायद आपको याद नहीं है, लेकिन इनको अच्छे से याद है। तो ये अब डिसाइड करेंगे आप चारों में से कौन एक कैदी टॉप 3 में जाएगा। गार्ड्स, अपने मर्जी का जो भी आपको लगता है कि टॉप 3 में होना चाहिए उनका नाम लिख दीजिए और गार्ड के पास दे दीजिए। तो ये हैं एक्स कैदीज के वोट्स। पहला वोट अंजलि, दूसरा पायल, तीसरा शिवम, पायल, अंजलि, अंजलि, पायल और शिवम। अब तक आप तीनों को दो दो वोट्स मिले हैं। तो अब ये अगले 3 वोट्स बहुत ही क्रूशियल हैं। या तो अगर आप तीनों में से एक एक को जाता है या किसी एक को दो मिलते हैं, ये वोट्स तय करेंगे। पायल, पायल के इस वक्त 3 वोट्स हैं। ये अगले 2 कार्ड्स डिसाइड करेंगे कि कौन सेकंड कैदी फिनाले में जाएगा, और ये दोनों ही वोट्स मिलते हैं अंजलि को। कह सकता था कि सोशल मीडिया पे रील बनाने वाली ये लड़की एक दिन इतने बड़ी शो में सबकी रील उतारेगी। शी इज
I would call her the dark horse of the game. Anjali Arora, you are in top three. Thank you so much. Anjali, जब आप आई थी तो कोई नहीं कह सकता था कि आप टॉप थ्री फाइनल्स में होंगी. आपने जिस तरह से खेला है, जो आपने धाकड़ एटीट्यूड, केयर फ्री, चाहे ब्रैश ही एट टाइम्स, लेकिन यू हैव बीन एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग. थैंक यू मैम. और आपका जो भी कैदियों के साथ में केमिस्ट्री था, चाहे वो पायल के साथ लव एंड हेट था, चाहे वो साइशा के साथ में एनवीएस था, या चाहे वो मुनव्वर के साथ में फ्रेंडशिप थी, हर बॉन्ड आपका पब्लिक ने जो है इंजॉय किया है. और जो आपका मूव टू फिनाले था, जिसमें आपने साइशा के साथ यू प्लेड अगेंस्ट मुनव्वर, इट स्टार्टेड सच अ फ्रेंजी ऑन सोशल मीडिया के लोग कहने लगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. सो यू हैव बीन एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ योर प्लेस टुडे एंड वेलकम टू टॉप थ्री. थैंक यू सो मच मैम. एंड थैंक यू जिन्होंने मुझे वोट किया, साइशा, अली, जिशान, प्रिंस, थैंक यू, लव यू. टॉप थ्री में पहुंच चुके हैं अंजलि अरोरा और मुनव्वर फरूकी, और अब बचे हुए तीन कैदियों में से सिर्फ एक जाएंगे टॉप थ्री में. शिवम, आप बच्चे की तरह रो रहे हैं. अभी आपने तो, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अभी डिसाइड कर लिया कि विनर कौन है. नहीं मैम, वो बस जो चीज़ें मैं, कोई भी चीज़, जैसे मैंने ट्रॉफी को हकीकत में मैं एक बार उठाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है. पर मेरे मन में 2.5 लाख बारी उठा चुका हूँ उसे, और जैसे जैसे होती जा रही चीज़ें, थोड़ा सा घबराहट है. शिवम, आपने जिस इमोशनल बन रहा थोड़ा सा मैं, और कुछ नहीं. शिवम, आपने मुझे पता, मैं आपका संडे हूँ, आप मुझे आते तो बुला ही लोगे. शिवम, आपने जिस सफलता से ये शो प्ले किया है, आप इस टाइम पे नेशनल कैच फ्रेज बन गया है, बूम बम. थैंक यू मैम, आपकी बदौलत मैम. थैंक यू. और मैंने हमेशा से ही कहा है कि शिवम ने पूरा शो इन्जॉय किया है, और अब फिनाले में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फिनाले को कैसे नहीं एंजॉय कर सकते. शिवम, सारा के साथ जो है आपकी, चाहे वन साइडेड लव हो, चाहे अजमा के साथ नोक चोक हो, चाहे पायल के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप हो, आपने चाहे केवी के साथ एक रिस्पेक्टफुल बडी का रिलेशनशिप हो, और जो एनर्जी लेवल तुम्हारे हैं शिवम, वो जो इंसान बिल्कुल साफ दिल का होता है ना, उसी के वैसे एनर्जी लेवल हो सकते हैं. तो आप जो है, आपने बहुत कामयाब तरीके से शो को हैंडल किया है, और इस वक्त भी आप इसको अपना वो मत मानिए कि हाँ ये जो है ये फाइनल रिजल्ट्स हैं. अभी भी दौड़ चालू है, और हमें पता नहीं आप तीनों में से वो कौन होगा. तो हम देखना चाहेंगे आपकी केमिस्ट्री, तो हमने वन साइडेड केमिस्ट्री तो हमने सारा के साथ देखी. हम चाहेंगे कि अगर आप दोनों अभी इस स्टेज पे आके थोड़ा और हमें एंटरटेन करें, एंगेज करें, विल बी ग्रेट. यस मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप देखो बवाल होगा. क्या शानदार परफॉर्मेंस. लेकिन सारा कहाँ गई? ओ, सारा को तो शायद अली की शक्ल नहीं देखनी थी. अली, तुम्हारी खूबसूरत शक्ल से सारा को क्या प्रॉब्लम है? पर एनीवे, शिवम. यस मैम. वैसे जब शर्मा अंकल आए थे जेल में, जी जी जी, तो इन्होंने जिस तरह से वहाँ पे प्रदर्शन किया, तो मुझे तो लगा कि वो सिर्फ तुम्हारे, मतलब फादर नहीं, तुम्हारे एंटरटेनमेंट में भी बाप हैं वो. फैक्ट है मैम, सच, सत्य वचन. अब वो, अब क्या है. शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा ये है भूमधाम, और मैं हूँ धूमधाम. और महादेव की इसमें बड़ी कृपा है. बाकी वैसे तो धाकड़ का धाकड़ टेलर देख के हिम्मत नहीं हो रही बात कर पाऊँ आपसे. शायरी भी मेरी चुरा के लाया, ये बता रहा हूँ आपको मैं. तो शर्मा जी, एक फेस ऑफ हो जाए. हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. आ जाइए. मैं पहले, मैं आए पापा, आओ पापा, आपका सपना पूरा कर दिया मैंने, आ जाओ.
पापा को टीवी पे ले आया हूँ मैं। ये मेरी ट्रॉफी है, डोंट मेरे आज पापा। यस तो वो शर्मा जी बताइए फिर, फेस ऑफ कीजिए आप। जैसे चोरी कौन सी की, पहले ये तो बताओ कौन सी वाली चोरी की है मैंने। सारी शायरी चुरा के लाया तुम। दो ही तो, वो और दो इतनी नई नई है, मैं थोड़ा पीछे होके बोलूंगा। वैसे दो इतनी नई नई है क्योंकि धागड़ का टेलर देख चुका हूं मैं। कि उम्र नहीं मोहब्बत की मेरी, कि उम्र नहीं मोहब्बत की मेरी, एक चेहरा देखा और गुनाह हो गया। वाह क्या बात है पापा इन द हाउस। अब बोलो, जवाब दो, जवाब दो। मैं पापा, ये मेरे को पता है ना, ये पुरानी वाली सुनाएगा, मेरी वाली पुरानी वाली। शिवम तुम्हारे स्कोर तो नहीं, नहीं मैं फ्रेश, मतलब एक ही बार सुनाई है वो, बट वो आपने आपके ऊपर नहीं सुनाई मैंने। तो कहता हूँ कि अक्सर नशा हमें हो जाता है और इल्ज़ाम शराब पर आता है। सो गौर फरमाइएगा कि अक्सर नशा हमें हो जाता है और इल्ज़ाम शराब पर आता है। कसूर इस जाम का नहीं दोस्तों, कसूर इस जाम का नहीं दोस्तों, कसूर उस चेहरे का है जो हर जाम में नजर आता है। ये सारी बोतलें भी गई मेरी लॉकडाउन में। शर्मा जी अब आप बताइए कुछ इनके जवाब में। बसा कर रूह में अपनी, बसा कर रूह में अपनी, खुदी को खुद से जुदा कर दिया, ऐ मेरे बेरहम सनम, हमने इश्क में आपको खुदा कर दिया। वाह पापा वाह, क्या बात है। नमस्कार, तो मैं ये सारी चीजें तो छोड़ो पापा, एक पापा आपके लिए भी अर्ज कर देता हूँ। हाँ, कहता हूँ कि मेरे मुकद्दर के परिस्तान का वो चांद हो आप, मेरे मुकद्दर के परिस्तान का वो चांद हो आप, जिसके डूब जाने से मेरी ये बादशाहियत अंधेरे में खो जाएगी। कल ट्रांसफर कर दो, फील कर दो फाइनल। आप दोनों ने शायरियां सुनाई तो एक शायरी मैं भी सुनाऊंगी। ओह क्या बात है, मलिका हिंदुस्तान किस्मत खुल गई हमारी। धाकड़ धाकड़ शेर। शिवम लगता है बड़ा क्यूट, उफ, जो वो बच्चों की तरह रोता है जी, लेकिन शिवम बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर धाकड़। Mom, I have something to say. Ma'am, हमारे पूरे लॉकअप की जर्नी में आपने हम लोग को बहुत प्यार दिया है, बहुत सीख दी हम सारे कैदियों को। हम कैदियों ने आपके लिए कुछ बनाया है, एंड आई होप आपको अच्छा लगे। Wow, that's a surprise. क्या बनाया आप लोगों ने?